رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعه صوت الرعد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत करीमा के इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहन लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए। अल्लाह तआला को ताला ईमान वाले से खिताब फरमा रहे हैं जिन्होंने कलीमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, उनसे कहा जाता है आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। बड़ी अजीब बात है, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में ईमान वालों से कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। ये नहीं फरमाया या अय्युहल लज़ीना अशरकू, ए वो लोगों जिन्होंने शिर्क किया है वो ईमान ले आओ, ऐसा नहीं कहा जाता। ये भी नहीं कहा गया या अय्युहल लज़ीना कफ़रू आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ए वो लोगों जिन्होंने कुफ्र किया है, जो जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया है, उन्हें कहा जा रहा हो कि ईमान लाओ, ऐसी बात भी नहीं। ये भी नहीं कहा गया या अय्युहल लज़ीना नाफ़रू आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ए वो लोगों जो मुनाफिक हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं लेकिन दिल में नफाक भरा हुआ है, उनसे नहीं कहा जा रहा है कि आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। जिन्होंने ईमान कबूल किया, जो मुस्लिम कहे जाते हैं, जिन्होंने कलिमा तैयबा पढ़ा है, उन्हें खास तौर पर कहा जा रहा है या अय्युहल लज़ीना आमनू आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ए वो लोगों जो ईमान लाए, जिन्होंने कलिमा तैयबा पढ़ा, उन्हें कहा जा रहा है आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। बड़ी अजीब बात है, इसीलिए बाद मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि इस आयत में यूं कहा जा रहा है या अय्युहल लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए वो लोगों जो ईमान लाए हैं अल्लाह से डरो। और बात हजरात बात मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाना चाह रहे हैं, ए वो लोगों जिन्होंने अपनी जबान से कलिमा तैयबा पढ़ा है, जो अपनी जबान से कलिमा शहादत को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जबान से कलिमा तैयबा का इकरार किया है, उन्हें कहा जा रहा है कि जबान से तो कलिमा पढ़ लिया, जबान से तो कलिमा तैयबा की शहादत दे दी, आपको कहा जा रहा है आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अपने से भी इसका इकरार किया। मालूम हुआ ईमान का एक मतलब तो यह है कि कलाम बिल लिसान, जबान से करार कर, जबान से कलिमा तैयबा को पढ़ना, और जबान के साथ साथ दिल भी इस बात की तस्दीक कर रहा हो, दिल भी इस बात का यकीन रख रहा हो, दिल
गवाही दे रहा हूं कि मैं उस जबान से कह रहा हूं, मेरा दिल इस बात को मानता है कि तलाक मेरी निशा की वो तस्दीक उनकी जना की, दिल से भी तस्दीक करे। इसी वजह से मुफस्सिरीन ने लिखा है कबीले बनी साद के चंद आदमी जो देहाती थे जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जाहिरी तौर पर वो इस्लाम ले आए थे, इनका मकसद सदकात को वसूल करना था, उनकी दिल की नीयत साफ नहीं थी, सिर्फ जबान से कलिमा तैयबा पढ़ लिया और कलिमा तैयबा जबान से पढ़ने के बाद जाहिरी तौर पर मुसलमान हो जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर गोया नबी अलैहिस्सलाम के सामने एहसान जताए गए और ये कहने लगे कि हम तो वो हैं जिन्होंने कभी आपसे जल नहीं की है, हमने कभी आपको सताया नहीं है, बगैर जल के बगैर आपको सताए हम आप पर ईमान ले आए हैं। और भी बहुत सारे लोग ईमान लाए हैं, बहुत सारे लोगों ने कलीमा तैयबा पढ़ा है, लेकिन शुरू में आपको जल की नौबत आई, आपने जल की, आपके साथ बहुत सारी लड़ाइयां हुई, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने ईमान कबूल किया है, लेकिन हम तो वो है हमने बगैर जल किए हुए आपको तस्लीम कर लिया है और आपकी बात को मान लिया है और कलीमा तैयबा को पढ़ लिया है। गोया नबी अलैहिस्सलाम के सामने आकर इन्होंने एहसान जताया, इनकी नीयत साफ नहीं थी। आकर कहा हम तो ईमान ले आए हैं, कुरान ने इसको नकल किया और नबी आराम आमन ना, ये कबीले साद के बच्चन देहाती नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आकर कहने लगे आमन ना, हम तो ईमान ले आए। कुरान करीम में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कुल्लम तुमिनु वलाकिन कुलु अस्लमना, ए नबी जी वो चंदीहात के रहने वाले कह तो रहे आमन्ना, लेकिन आप उनसे कह दीजिए कुल्लम तुमिनु, आप लोगों ने अब तक ईमान कबूल नहीं किया है, आप तक आप अभी तक मोमिन नहीं हुए हैं, हम बहुत बहुत तो आप यूं कह सकते हैं वलाकिन कुलु अस्लमना, हम इस्लाम ले आए, हमने इस्लाम को कबूल किया है, यानी जबान से तो आप मोमिन हो चुके हैं, जबान से तो आपने इस्लाम को कबूल कर लिया है, लेकिन आपके दिल की नीयत साफ नहीं है। वलाकिन कुलु अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल भी नहीं हुआ है। हमें भी अपना जायजा लेना चाहिए, हम जबान से लागिया हमें अल्लाह का इकरार करते हैं, शहादतें की गवाही देते हैं, अल्लाह के एक होने की गवाही देते हैं, मोहम्मद के अल्लाह के रसूल और उसके बंदे होने की गवाही देते हैं, शरीयत की बहुत सारी तालीमात को अपनी जबान से दोहराते हैं, अपनी जबान पर लाते हैं, लेकिन क्या हमारा दिल इन तालीमात को मानने के लिए तैयार है या नहीं? एक कामिल मोमिन की शान ये है जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया, कुरान की तालीमात आ गई, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात आ गई, सब हथियार को फेंक देता है, सब हथियारों को डाल देता है, अपनी नहीं चलाता, अपनी नहीं बनवाता, अपने हुक्म को नहीं छेड़ता है, वही यूं कहता है मेरे रब का हुक्म है, मेरे नबी की तालीमात है, मेरे कुरान की तालीमात है, मेरा दिल तस्लीम करे या ना करे, मेरा दिल माने या ना माने, चाहे खुशी का मौका हो चाहे कमी का मौका हो, मेरे नबी का हुक्म है, मैं अपने सर को इसके सामने झुका लूं। वो इल्लत को तलाश नहीं करेगा, वो वजह दरियाफ्त नहीं करेगा, वो वजह मालूम नहीं करेगा कि फुला मुफ्ती साहब ने यह हुक्म दिया है, फुला मौलवी साहब ने यह हुक्म दिया है, फुला इमाम साहब ने यह हुक्म दिया है, बस मैं मालूम करना चाहता हूं इन्होंने यह हुक्म क्यों दिया है। जबान से तो हम कह देते हैं मोमिन है, जबान को तो हम किसे कह देते, शरीर की तालीमात को हम मानते हैं, लेकिन जब मानने की बारी आती है तो अच्छे अच्छे की हवाले करते हैं।
से इकरार और दिल के साथ जबान से भी इकरार करना है और दिल से भी इसको मानना है। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले, नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है बहुत सारी चीजों में अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस ये उलमाए किराम का गिरोह है, उलमाए किराम की जमात है, इन मुफ्तियाने किराम की जमात है, इन उलमाए किराम की जमात है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने एक हुक्म दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने एक तालीम दी, कुरान की आयतें में आप गौर करवाए, कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम ओ मुसल्लीन नबी, अल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को फरमाया ए सहाबा का गिरोह अपनी आवाज को नबी अलैहिस्सलाम की आवाज से बुलंद किया करो। कुरान की अजीब शान, कुरान ने यूं भी कहा ए सहाबा की जमात, ए सहाबा का गिरोह, ए नबी अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद अफ़्ज़ार, ये नहीं कहा। कुरान ने आम तालीम दी, एक आम हुक्म दिया, गोया बयान ये किया जा रहा है कयामत तक नबी अलैहिस्सलाम के वारिस इन उलमा की जमात, इन मुफ्तियान किराम की जमात, इन हुफ्फाज़ किराम की जमात, इस शरीयत की तालीम को बताने वाली जमात, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को कहा जा रहा है और ईमान वालों को कहा जा रहा है अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो, नबी के हुक्म को मानो, वह कयामत तक आने वाली उम्मत को यह तालीम दी जा रही है ए उम्मतियों, ए नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों, ए ज़बान से इकरार करने वालों, कयामत तक की आपके लिए तालीम ये है। आज अगर कोई मुहाली, कोई मुफ्ती, कोई वक्त का ईमान आपको बतवा दे रहा है, आपके सामने तालीम दे रहा है, आप इनके साथ अपने सर को झुका दो, ये तालीम है। लेकिन आज उम्र बहुत बुलावा है, बहुत बुलावा है। जब कोई हुक्म दिया जाता है, जब कोई बदवा बयान किया जाता है, कोई जब इस्लामी तालीम बयान की जाती है, हर आदमी ये सोचता है तालीम क्यों दी जा रही है, हर आदमी अपने मन का राजा हो चुका है, अपनी मन चाहे जिंदगी गुजारना चाहता है, जबान से तो इकरार करता है, जबान से मुफ्ती को मानने के लिए तैयार, जबान से मौलवी को मानने के लिए तैयार, जबान से आलिम को मानने के लिए तैयार, जबान से इमाम हुक्म को मानने के लिए तैयार, जबान से तो सब कुछ इकरार करेगा, लेकिन जब तस्लीम करने की बारी आएगी, अपने सर को झुकाने की बारी आएगी, कोई सर झुकाने के लिए तैयार नहीं होगा। किसी को अपने मनसब का घमंड है, किसी को अपने मनसब का तकब्बुर है, कोई अपने घमंड में मुब्तला है, मेरे पास तो ये औज़ार है, मैं तो मालदार हूं, मेरे पास ये इंतजाम है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। हर आदमी को गौर करना चाहिए, हर आदमी को सोचना चाहिए कि मैंने जबान से इकरार कर दिया, जबान से इन कलिमात को दोहरा दिया, जबान से सब कुछ कह रहा हूं, रात भी इकरार कर रहा हूं, क्या मेरा जबान से इकरार करना काफी हो जाएगा? अगर कोई आदमी अल्लाह के सामने अपने सर को झुका देता है, अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को झुका देता है, आज बहुत सी मरतबा जबान से इकरार करने के बावजूद दिल में इस बात की उतरने की न होने की वजह से आदमी अपने हाथों को उठाता है, अल्लाह के सामने मांगता है, रोता है, गिर गिराता है, लेकिन दिल में ईमान के न उतरने की वजह से दुआ तो कर रहा है, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। अल्लाह के यहाँ मौजा नहीं देखा जाता है, अल्लाह के यहाँ मनसब नहीं देखा जाता है। कैसे लोग गुजरे हैं के बारे में लिखा है, एक मरतबा सब पत्थर पड़ा, लोग परेशानी में मुबतला है, बारिश हो ही नहीं रही, हजरत अता रहमतुल्लाह ने लोगों को लेकर एक खुले मैदान में दुआ करने के लिए निकले, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, वक्त के एक मजदूर साधु रहमतुल्लाह से मुलाकात हुई, साधु ने पूछा आता कहां जा रहे हो, कहां से जा रहे हैं? हजरत आता फरमाने लगे लोग तो हक में मुबतला है,
बारिश हो नहीं रही है, लोग परेशान हाल है, दुआ करने के लिए साधु मतलब फरमाए किस दिल से दुआ करने निकले हो? आसमानी दिल से दुआ करने निकले या जमीनी दिल से दुआ करने निकले हो? फरमाया आसमानी दिल से दुआ करने के निकले। इसके बाद ने फरमाया ए अल्लाह लोगों से जाकर बता दो, लोगों से जाकर कह दो, खोटे सिक्के लेकर ना आया करे, खोटे सिक्के न चलाया करे, परखने वाला बीना है, परखने वाला सब कुछ जानता है, देखने वाला है, तीर्थ ईमान को भी जानने वाला है, तीर्थ सिक्के की दुआ को भी बात जानने वाला है, अल्लाह ताला जानता है कि दिल से दुआ कर रहा है या सिर्फ जबान से दुआ को बोल रहा है। इसके बाद आसमान की तरफ नजर उठाई, अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाया और उसके बाद कहने लगे ए अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों की वजह से, अपने बंदों की नाफरमानियों की वजह से अपने शहरों को बर्बाद न कीजिए, अपने बंदों की नाफरमानी की वजह से अपने शहर को बर्बाद न कीजिए, ऐला ये शहर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐला अपने उन असमाए मकनूना के कुबेर से, अपने पर छुपे हुए असमा की बरकत से, अपने उन नेमतों की बरकत से जो तुम्हें पर्दे गैर छुपाए रहती है, ऐला की नेमतों के कुबेर से, इन नेमतों की बरकत से तुझसे दुआ मांगता हूं, ऐला ये मीठे पानी से सैराब कर। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी, अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई और आसमान से बारिश शुरू हो गई। ये कब होगा? ने अपने आप को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका दिया था। एक तरफ दुआ हो रही है, अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसा झुका दिया, आसमान की तरफ नजर उठाई, इतना बड़ा लश्कर लेकर लोग आए हैं, लोग दुआ कर रहे हैं, लोगों की दुआ कबूल नहीं हो रही, जमीन खुश्क हो चुकी है, सब्जा मौजूद नहीं है, बारिश इतना होने की वजह से लोग परेशान है, लेकिन साबुन ने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और एक दुआ की, अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई उसी तरफ बारिश शुरू हो गई। जो हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें भी नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाते हैं, قال ربكم عز وجل الله رب العزت ان شاء فرماتے ہیں لو ان عبیدی اطاعونی اگر میرے بندے میری اطاعت کریں گے میرا بندہ میرا حکم کو مانے گا میرے حکم کے سامنے ذرے تسلیم خم کر دے گا وجہ دریافت نہیں کرے گا اور زبان کے ساتھ اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اقرار کرے گا اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے گا आखिरत में तो फायदा होने ही वाला है। इन्नमा तुवफ्फूना उजूरकुम यौमल क़ियामा, असल बदला, असल सवाब, असल बदला तो अल्लाह ताला के पास मिलने वाला है। दुनिया में क्या फायदा होने वाला है? अल्लाह ताला ने बयान फरमाया लअस्क़ैतुकुमुल मतरा बिललैल, मैं जब बारिश बरसाऊंगा तो बारिश रात में होगी, दिन में नहीं होगी, ताकि मेरे बंदे को कोई तकलीफ ना हो। रात में लोग बिजली की सो रहे होंगे, लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, मेरे ये वो बंदे हैं जो इताअत करने वाले हैं, मेरे हुक्म को मानने वाले हैं, मैं उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहता, उन्हें मशक्कत में डालने मशक्कत डालने डालना नहीं चाहता। अगर दिन में बारिश करूंगा लोग परेशान हो जाएंगे, लोग परेशानी में मुबला हो जाएंगे, ये तो मेरे बाबा बता करते हैं, लिहाजा मैं रात में बारिश बरसाऊंगा। और क्या इनाम देगा? वज़ाहतुहु अलैहिश्शम्स, जब मेरे बंदे रात की नींद को पूरा करेंगे, उठेंगे सूरज तुलू हो जाएगा, सूरज की गर्मी से भी ये फायदा उठाएंगे, दीन के कामकाज, दीन की मशगूलियात को और दीन के कामों को आसानी के साथ सूरज की रोशनी में बारिश के बगैर आसानी के साथ कर सकेंगे। वज़ाहतुहु अलैहिश्शम्स, और क्या फायदा बयान किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
गरजते हैं, बादल गरजते हैं, बंदा डर जाता है, बिजली गिरती है, कभी आदमी मर जाता है, कभी आदमी हलाक हो जाता है। अगर मेरे बंदे मेरी बात को मानने वाले होंगे, मेरी किताब देने वाले होंगे, मेरे नबी की तालीमात को मानने वाले होंगे, इतनी आसानी पैदा कर दूंगा, कभी बहुत ज्यादा भी नहीं होंगे और आसमान से कभी बिजली गिरेगी भी नहीं। अरे बिजली का गिरना तो दूर की बात है, लग उसमें आपको सौ का लाख आसमान और बादल की गरजने में सुनाई सुनाई नहीं थी, कभी उन पर कॉफी जा रही होगा। लेकिन ये सब कब होगा, वही पहली बार लग अन्न अभी की अपा होनी, मेरे बंदे मेरे हुक्म को मानेंगे। जो आदमी अल्लाह के हुक्म के आगे सब झुका देता है, अपनी ख्वाहिशात को दबा देता है, अपनी मर्जी को दबा देता है, अपने ओहदे की घमंड को दबा देता है, अपने तकब्बुर को बहुत और खत्म कर देता है और सिर्फ ये समझता है बस मेरे रब का हुक्म है, मैं तस्लीम करूंगा, मैं मानूंगा। तभी दुनिया को लंबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दुनिया के सामने हुक्म जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दुनिया खुद को खुद उनकी मानने के लिए तैयार हो जाती है। तारीख में लिखा है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत का जमाना है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जमाने में एक ताबेई हजरत उबा बिन आमिर रहिमहुल्लाह को शिमाली अफ्रीका की जानिब एक बहुत बड़े लश्कर और बहुत बड़े जवान के साथ रवाना किया। हजरत उबा बिन आमिर रहिमहुल्लाह ताबेई अफ्रीका में दाखिल हुए, जैसे ही वहां गए सबसे पहला मसला ये पेश आया कि यहां एक छावनी बनानी पड़ेगी, एक शहर को आबाद करना पड़ेगा, एक घर ऐसा बनाना पड़ेगा जहां ये मुसलमानों के 10,000 का लश्कर आसानी के साथ रह सके। अमीर जमात ने अमीर लश्कर ने हजरत उबा बिन आमिर रहिमहुल्लाह ने यह फरमाया कुछ भी हो जाए हमारी ये छावनी हमारा ये घर जंगल के अंदर बनाया जाए। लोग परेशान हैं, अफ्रीका का जंगल है, शरीर मौजूद है, अफ्रीका के जंगल के अंदर बहुत सारे दरिंदे और घास खाने वाले जानवर मौजूद है, वहां पर ही अपना बसेरा कैसे बसाएंगे, कैसे अपनी छावनी डालेंगे। लोग भी देखने के लिए चले आए कि देखते तो है कि अभी ये लश्कर ऐलान कर रहा है कि इसके अंदर हम अपना घर बनाएंगे, यहां छावनी वाले बनाएंगे, ये पागल जैसी बात कर रहे हैं, कैसे यहां बसेंगे। हजरत उबा बिन आमिर रहिमहुल्लाह उतारा जंगल के करीब गए, अपने 10,000 के लश्कर को लेकर गए, दुआ की, दुआ करने के बाद एक ऐलान किया। क्या ऐलान किया? ऐलान के अल्फाज ये है अय्यतुहा सिबाउ वल हशरा, अय्यतुहा सिबाउ वल हशरा, ए जंगल के रहने वाले दरिंदों, ए जंगल के रहने वाले कीड़े मकोड़ो, नहनु अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है, फरहलु अन्ना, तुम सब के सब हमारे पास से चले जाओ, बड़ा हो जाओ, इन्ना नाज़िलू नबीहा, हम इसी जंगल में कयाम करने वाले हैं, हम इसी जंगल में पड़ाव डालने वाले हैं, हमें जंगल की जरूरत है, तुम सब के सब यहां से चले जाओ। आगे ऐलान किया इन वजलना हुकारु कतलना, अगर हमने इसके ऐलान के बाद किसी को भी पाया सब के सब जानवर को मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। क्या ऐलान का जोर था, क्या ऐलान का पावर था, क्या ईमानी ताकत थी, क्या दिल के अंदर ईमान भरा हुआ था, मनवाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मशीन लाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी एक्टर बॉम्ब को लाने की जरूरत नहीं पड़ी कि जिसको फोड़ा जा रहा हो, जिसको दफा जा रहा हो और जंगल छोड़ जंगल को खत्म किया जा रहा हो। ईमान इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है एक तरफ ऐलान किया, ऐलान करने के बाद लम यबक मिन्हा शैउन इल्ला खरज हाकिम, एक तरफ ऐलान किया, ऐलान का ऐसा पावर था, ऐसी ताकत थी, पूरा का पूरा जंगल जंगल के इतने जा
पैगंबर अपने अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर जंगल से रवाना हो गए। मालूम ही हुआ इन लोगों का ईमान बना हुआ था, हकीकी मानों में मोमिन थे, हकीकी मानों में बात करने वाले थे। बस आज की मजलिस का खुलासा यही है, या अय्युहल लज़ीना आमनू आमिनू बिललाहि व रसूलिही, ए ईमान वालों अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। जबान से तो इबादत कर रहे हैं, जबान से तो कलिमा शहादत पढ़ रहे हैं, जबान से तो इस्लामी तालीमात को मान रहे हैं, जबान से तो बहुत इकरार कर लिया, 70 साल की जिंदगी निकाल दी, 60 साल की जिंदगी निकाल दी। अब एक मरतबा अपने दिल से भी इकरार कर लो, अपने दिल से भी मान लो, अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को झुका दो। अल्लाह ताला शानू से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे जबान से मुस्लिम बनाया, जबान से कलिमा शहादत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला ये कलिमा शहादत और ये ईमान की दौलत हमारे दिल में नसीब फरमाए, और अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को झुकाने वाला बनाए, अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें की दुआई, अल्लाह ताला हम सबको इस अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।